चल रही हूँ, बाहर पहुँच रही हूँ। हाय, मतलब मुझे बताओ कि मुझे फ़्लाइट पकड़ना है अभी 3 बजे की, एयरपोर्ट पहुँचना है 1 o'clock, और मुझे पड़ी है मेरे अपने अपने अवतार की, मतलब मैंने अभी तक वैक्सीन किया नहीं है, मैं गोवा जा रही हूँ इसलिए मैं भागी वैक्सीन करने के लिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे पिक करने आया हुआ है। मैंने इन लोगों को बोला है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज आने वाला है, जब अपने को घाई घाई होता है वैक्सीन करने को जाने का होता है, एंड 2 लड़कियां आपकी पूरे मतलब वैक्सीन करती है, अलग अलग पता नहीं कौन सा पोजिशन निकलता है, ऐसी पोजिशन जो योगा टीचर भी फेल है निकालने के लिए, बट हो गया, अब बात है रेडी होते। YouTube चैनल रैडिकल विशाखा। वेल, पूरा हो गया ग्रूमिंग सेशन, जो अपना था सेशन हो गया, अभी ऑल पैक ओवर नीचे रुकी है। बता दो तो सामान क्या लेके जा रही हूँ, हेलमेट की एक बैग है, गैजेट्स की एक बैग है, एंड ये बैग में अपना कपड़े भरे पड़े, सो दैट्स इट। भागते, ऊबर का मतलब बुलावा आ गया है, वरना वो भी अपने को सुनाएगा। अच्छे काम करने जा रहे अपन, गोवा जा रहे, इसलिए किसी का हाथ नहीं लेना है। अपनी मम्मी ने कभी हार मानती नहीं है, मतलब टिफ़िन तो देना ही है, बेटी के पैसे बचा रही टिफ़िन देने के, मतलब मम्मी का इसमें करते एक्साइटमेंट रहती है कि बेटी फ्लाई करने वाली है, उसको खाना दे रही, टिफ़िन पैक करके दो, घर का खाना इज़ अ मस्ट फॉर मी नाउ। आज खाने में पुलावन श्रीखंड, लेट्स ईट। मेरे साथ ही बहुत बड़ा सीन हो गया आज, मतलब मेरा आज बैड हेयर डे, बैड हेयर डे इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही मेरा ध्यान रखती है। देखो, टिफ़िन भी दिए और मेरे घर पे कम से कम 4, 5, 6 कोम से पता नहीं मेरी हाथ, मेरा हाथ है ना वो एक ही कोम के पास क्यों जाता है, वो कोम का नाम है मिस ऑयली। अब वो मिस ऑयली मतलब जब हमारे तेल लगाते हैं हम बाल में, कोम करना होता है वो वाली कोम मैं और मम्मी स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, बट मेरे को नॉर्मली भी वही ऐसे कंघी जाता है और मैं कोम कर दी, देन आई रियलाइज ओ डैम, अभी तो मैंने हेयर वॉश किया था, फिर तेल की कंघी से हमने बाल बना लिया, इसीलिए आज है अपना बैड हेयर डे। खाते अब, वरना फ्लाइट भी छूट जाएगी। आप लोगों ने देखा वो घर का खाना नहीं था, मतलब रॉयल एनफील्ड ने अपने लिए फ्लाइट में भी खाना कर लिया था। आई थिंक दिस वाज द वर्स्ट फ्लाइट आई हैव एवर हैड स्पाइस जेट का, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस टू कीप माय बैग, एंड हेलमेट भी मतलब ऊपर ही रखा था, बैग भी मैंने ऊपर ही रखा था, सब गोदी में ही पड़ा था मेरा, एंड खाने का टेबल वाज तो छोटा सा, सो वन ऑफ द वर्स्ट फ्लाइट्स। अभी हम आगे बैठ रहे हैं, लाइट है इधर, लाइट है, एक मिनट चालू कर दीजिए प्लीज़। हम गोवा पहुंच गए हैं, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा मतलब 1.5 आवर प्लस 15, मतलब 1 घंटा 45 मिनट्स अपनी फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट में ही हम सो गए थे, एंड वी रीच्ड गोवा फाइनली। सर हमको लेने आए, सर आपका नाम बता दीजिए हमको। सनील सर हैज़ कम टू पिक अस अप। आप रॉयल एनफील्ड से हो या आपको रॉयल एनफील्ड ने बुक किया हुआ है? बुक किया हुआ है। मतलब अपन ने क्या सोचा था, गोवा लैंड करेंगे और मस्त उजाला उजाला ही रहेगा, मतलब एटलीस्ट कुछ देखने को मिलेगा, बट अभी अंधेरा हो गया, कुछ नहीं, कैब आ गई है, कैब में बैठते होटल चलते, अब लगी है भूख, इतना खाने के बाद भी लगी है भूख। मतलब ऐसे कौन करता है, रास्ते पे तो ट्रैफिक होती है मुझे समझ में आता है, बट ऊपर भी आसमान में भी ट्रैफिक है, कोई नहीं। होटल पहुंच गए, रूम चलते, दिख तो बहुत सही रहा है ये, इट्स अ रिसोर्ट आई गेस। स्वागत में हमारे लाइट वाइट चालू करके लोग ने रखा हुआ है यहाँ पर। क्या बात है, मतलब ये अपना रूम अकेले के लिए सॉर्टेड, 2 चेयर, 1 बेड, यहाँ से व्यू पता नहीं चल रहा, रात में बस घास फूस दिखाई दे रहा है, ये कौन था? ये अपन, अरे इधर ही अपन, बाटम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बाटम नहीं है, यहाँ पर अपना आ जाएगा पूरा सामान, खूब छान।
मतलब मुझे रूम में बैठे बैठे इतना बोर हो रहा था ना, मतलब तुम ना गोवा आए और रूम में बैठे हैं, तुम लोग बीच नहीं गए, ऐसे हो सकता है कि मतलब ऐसे कदा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है ये, घोर अपराध है, प्लीज़ ये नहीं करिए। इसीलिए मैंने सोचा क्या करें क्या कर करें, बाकी सारे फ्रेंड्स का फ़ोन लगाया, देखा बोलते अभी तक गोवा पहुँची नहीं क्योंकि वो लोग राइड करके आ रहे, देखो ना टेक टाइम, बट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम अननोन नंबर एंड वाले, हेलो मैं गोवा में हूँ, आप कहाँ हो? अरे भाई साहब कौन बोल रहा है? मिला जी किसका फ़ोन था कि ना, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड आउटसाइड बिकॉज देर आर टू रिसॉर्ट्स, मतलब वन इज ग्रैंड लियोनी विच आई एम स्टेइंग एंड वन इज लियोनी। बड़े बड़े लोग मतलब तू बड़े लोग, ये इसको जब मैं लास्ट मिली थी 2 साल पहले, दो साल हो गया लेह में आई थी, इसकी हाइट छोटी थी, अभी ये बैठे बैठे मेरे हाइट का आ रहा है, ये खड़ा हो, प्लीज खड़े मत होना मेरे सामने, ऐसे ऐसे नीचे होके कितना अच्छा लगेगा पता है, ऐसे मेरे को जेलसी फील होती है कोई मेरे से लंबा रहे हाइट में, मैं तो टोस पे खड़ा हूं लंबा, प्लीज ऐसे मत करना, दिस इज वेरी बैड। बस अभी मिले, मतलब वैसे बैठे बैठे मेरे को बड़ा बोर हो रहा था, तू भी हां, किसी कॉमन फ्रेंड ने रिप्लाई करा कि विशाखा वहां पे, मैं कहा विशाखा यहां पे नहीं है, मैंने कुछ स्टोरी देखी थी कहीं और है, हां मैं कहीं और थी, कॉल मिला के देखते हैं फिर, एंड हम पहुंच गए, अभी हम चिल करने वाले, बहुत छोटी दुनिया, कहीं भी कोई भी पहुंच जाता है, छोटी दुनिया मतलब इतनी सी दुनिया, कहां मिल रहे हैं हम लोग? गोवा में आके मिल रहे, रहने वाला दिल्ली रहने वाली मुंबई, हम मिले गोवा में, बड़े बड़े लोग हैं और वड़ा पाव खाते हैं। पहले आपका सब्सक्राइबर था, फिर बाद में इसका बना, अब बहुत कम उम्र में बहुत कुछ किया। कहाँ से? मैं पुणे से हूँ, लेकिन मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैडम का भी हूँ, मैं पुणे एक्सप्रेस वे फिर चल गया था इस बार, हाँ वो भी देखा है, वो मैंने देखा है, ये चीज मैंने भी देखा था, फिर से निकली होगी पर्ची। But you say nothing at all, nothing at all. Never mind the look on my face. Never mind my many mistakes. Hi. Oh my God, we finally. Finally. रॉयल एनफील्ड जो कैफे गैराज था वहाँ पर मैं जाकर आ गई, उसके बाद में हम लोग चले गए थे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री वाला भी सीन हो गया सॉर्टेड अभी, मतलब मेन राइडोमेनिया रॉयल एनफील्ड का आने का 2 major reasons, वन इज राइट हियर अभी नया, सेकंड इज राइट हियर सीरियसली, मतलब ऐसा है, मतलब आई स्वेयर ऑन माय मॉम मैं यहाँ पर आई हूँ ये लोग के लिए, क्योंकि हम लोग हिमालय ओडिसी के बाद आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर अ ईयर, राइट? यस यार, नहीं यार, ज़्यादा जुलाई में तो हाँ, यार वन एंड हाफ ईयर्स बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पर, एंड ये लोग दोनों हैट्स ऑफ राइड करके आए, वन फ्रॉम मुंबई एंड वन फ्रॉम दिल्ली। कैसी थी जर्नी? मेरी राइड के बारे में अगर पूछो तो, सो दिस इज माय फर्स्ट राइड विद माय ओन बाइक UM, और पहली बार मैंने इतनी लंबी राइड की, दिस वॉज अमेजिंग, एक नंबर। और मैं भी बताऊँ, मेरा भी रीज़न यार इन्हीं लोगों की वजह से था, मतलब 1.5 साल बाद मिल रहे हैं, फिर ऐसे थोड़ी ना छोड़ा, पहला रीज़न मैं, पहला रीज़न विशाखा The rider girl. विशाखा, हाँ सही बात है यार, सब लोग मुझे छेड़ते भी हैं और ये सच बात है, और काटियो मत इसको, नहीं काटियो यार, बिल्कुल नहीं काटूंगी अभी, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते जाओ तो काट नहीं सकते, ऐसे वो लगेगा कि कट किया हुआ है, चीज नहीं काटूंगी। माय जर्नी, I don't think anyone would have taken so long to reach from Mumbai to Goa. मतलब ये लोग ने चालू किया था रात के 11 या 1 11 बजे स्टार्ट किया था, मैं घर से निकली 11 बजे, हाँ स्टार्ट जब भी किया, घर से निकली 11 बजे, अभी पहुंची रात को 9 बजे पहुंची, 9 बजे मैं ठीक है चला गया, सेफली आ गए, एक पीस में आ गए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी एक बात और है करूँ मैं, okay. अभी दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि टायर्ड होगी ना, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं है, वापस जाके जब दिल्ली पहुंचेंगे ना तो फील होगा कि टायर्ड है, अभी क्या म्यूजिक मस्ती यार लोग, और क्या चाहिए यार, चाय सुट्टा यारी और म्यूजिक दारू भी है। ओ या 2:15 हो रहे, रात के 2:15 हो रहे, एंड हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं पापड़, एक्चुअली रोटी जो बन गई है पापड़ विथ दाल एंड राइस, ये मुझे 1 घंटे पहले मुझे खाना था दाल रोटी, बट मुझे मिला नहीं मैंगो ट्री में, तो गंदा वाला पिज्ज़ा खाना पड़ा मार्गरीटा का, विच वॉज टेस्टलेस, उसमें नमक डाला शायद भूल गया था वो,
और सॉस भी एंड सिर्फ चीज़ था और ब्रेड बहुत बकवास वाला था. खा लिया. अब इतना अच्छा खाना मिल रहा है बट खाए जा नहीं रहा क्योंकि इतनी रात हो गई एंड वी आर वेरी टायर्ड नाउ. ऑलमोस्ट 3 o'clock एंड हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं. पहले थे हम लोग इनके रूम में, अब मैं आ गए हमारे वाले रूम में. व्लॉग एडिट कर रहा था, व्लॉग एडिट ऑलमोस्ट हो गया है, बस एंड करना बाकी. एक चीज़ मुझे बताना था कि राइडर मेनिया वाला व्लॉग, मतलब राइडर मेनिया तो गोवा तो पहुंच गए, राइडर मेनिया का व्लॉग आपको कल से देखने को मिलेगा. टुमारो इज़ आर फर्स्ट डे. वेरी एक्साइटेड. आप लोग एक्साइटेड हो क्या भाई लोग? एंड प्यार मतलब आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर राइडर मेनिया? मतलब ये लोग तो सो ही नहीं है. एटलीस्ट मैंने थोड़ा सा आराम किया हुआ, ये लोग तो सो ही नहीं है. मतलब पूरा दिन रात चला चला कर यहाँ पर आए. एंड एक बहुत खास बात राइडर मेनिया की मुझे लगी है कि तुम लोगों ने तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे मतलब रास्ते पे से सारे राइडर्स जा रहे थे. जैसे अपन शिरडी में कैसे चल के जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते, चलते चलते तो सब लोग दिखते ओम साई कर देते, वैसे सारे राइडर्स इधर से यही चल रहा है यहाँ पर. अभी 3 दिन तक चलने वाला है, अभी 3 दिन तक ये चलने वाला है. हर जगह आपको ये दिखेगा ऐसे ऐसे. थम्स अप वाला साइन फिर से. अभी मैं कर रही हूँ ख़त्म. बस आज के व्लॉग में इतना ही. प्लीज़ लाइक नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोला है. बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही एनर्जी थोड़ा आज के व्लॉग के लिए इतना ही एनर्जी लेवल थोड़ा सा अपना लो हो गया है क्योंकि आधी रात हो चुकी है. कल अपना कॉल टाइमिंग है 9 o'clock का. As always guys, this is Radical Vishakha signing off, breaking all stereotypes. Thank you so much for making me a part of your day, making us a part of your day. I'm gonna see you very soon in the next vlog. Till then, keep coming. Yonda. Itna hi bata raha tha abhi. Bahut fast forward mein ho gaya hai but samajh lo bhavna hai.